गुड मॉर्निंग एवरीवन. एवरीबडी सेज वुमेन आर लाइक वाटर. आई थिंक इट इज बिकॉज वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड इट अडैप्ट्स इटसेल्फ टू इट्स एनवायरनमेंट. ऑल्सो लाइक वुमेन इट इज स्ट्रांग इनफ टू कट थ्रू रॉक्स. पानी के साथ महिलाओं का संबंध साहित्य और पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाले प्रतीकात्मकता से बहुत आगे निकल जाता है. दुनिया के विकासशील देशों में इस समय लाखों महिलाएं अपने परिवार के लिए दूर से जोहड़ों, कुओं, नदियों और झीलों से पानी ढो रही हैं. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वे पानी इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन औसतन 6 किलोमीटर पैदल चलती हैं. इनमें से अनेक युवा लड़कियां अपनी पढ़ाई से भी वंचित रह जाती हैं और भारी बाल्टी का वजन रोज ढोती हैं. मैं मधुमिता बैनर्जी, गुरुजल सोसाइटी की तरफ से आप सभी का आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित वेबिनार में स्वागत करती हूँ. आज का विषय है नारी एवं नीर, ब्रेक द बायस. क्यों नहीं, यह केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, यह समाज की एक सोच है जिसे हमें बदलना है. गुरुजल सोसाइटी जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है. यह संस्था 2019 में एक महिला द्वारा ही स्थापित की गई तथा लगभग 50% कार्यवाहिनी गुरुजल में महिला ही है. आइए इस वीडियो के माध्यम से गुरुजल के बारे में जानते हैं. गुरुजल मुख्यतः 4 वर्टिकल पर कार्य कर रहा है. पहला है सपोर्ट अपॉन, यानी जोहड़ों का पुनरुत्थान. दूसरा है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण. तीसरा है वाटर प्रूफिंग, यानी लीकेज रोककर जल को नष्ट होने से बचाना. और चौथा है कनेक्ट द ड्रॉप, अर्थात समाज को जल संरक्षण से जोड़ना. इसके अलावा रिसर्च और पॉलिसी स्टडी द्वारा भी हम विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम पर कार्यरत हैं. आज का हमारा वेबिनार कनेक्ट द ड्रॉप के अंतर्गत रखा गया है. आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कैसे समाज का हर वर्ग जोहड़ पुनरुत्थान में सहयोग कर सकता है. पानी में जो भूमिगत जल का लेवल जो नीचे चला गया उसको दोबारा ऊपर लाया जाए, तो इसी श्रेणी में
ये एक कार्य है जो पावर ग्रिड गुरु जल के साथ मिलकर कर रही है। स्ट्रक्चर है हमारा इस रेजुनेशन का, उसमें वॉकवे भी रहेगा, आसपास हरियाली भी रहेगी। हम जो है यूथ वगैरह यहाँ पर शाम को बैठते थे तो ये गंदगी वगैरह थी, यहाँ से स्मेल जाती थी तो बहुत परेशानी होती थी। अभी यह है कि जैसे जैसे यह थोड़ा सुधार होता आ रहा है, हमें तो यह है कि एक उम्मीद मिली है, अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे स्वच्छता हो जाएगी। अब यह है कि बहुत अच्छा होगा, पानी वगैरह भी साफ़ हो जाएगा, तो यह है कि सब घूम फिर लेंगे। बड़े बुजुर्ग भी जो है यहाँ पे ट्रैक व्रैक बना दिए हैं, और भी जो है दो तीन काम और अच्छे अच्छे होंगे, तो सब हम भी सपोर्ट करेंगे इनको। यह है कि बाद में भी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको साफ सफाई रखने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जल संरक्षण केवल एकल विषय नहीं है, अनेक समस्याएं इस कार्य में देखने को मिलती है, जैसे ठोस कचरा प्रबंधन, समाज की सोच, हाइजीन के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता आदि। ऐसे ही अनेक सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। आज हमारे बीच ऐसी ही सशक्त महिलाएं हैं जो गुरुग्राम में अलग अलग पर्यावरण के समस्याओं पर सराहनीय कार्य कर रही हैं। इससे पहले मैं आप सबसे हमारी पहली स्पीकर का परिचय कराऊं। आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट पर रखें तथा अगर आपके कोई प्रश्न हैं हमें चैट बॉक्स में लिखें। वेबिनार के अंत में हम प्रश्नोत्तर लेंगे तथा आपको अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। मेरा स्पीकर से भी निवेदन है कि वह अपनी समय सीमा का ध्यान रखे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी पहली स्पीकर है मोनिका खन्ना गुलाटी। मोनिका जी जीरो वेस्ट क्रुसेडर हैं। वह अपनी पर्यावरण संरक्षण जीवन शैली से केवल भारत में ही नहीं अनेक देशों के लोगों को प्रेरित कर रही हैं। वह सिटीजन एक्शन एंड अवेयरनेस फेसबुक ग्रुप की NCR वेस्ट मैटर की संचालिका हैं, जो समाज के नागरिकों को वेस्ट मैनेजमेंट के अग्रणी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा लेकर आता है। वह एज ए कम्युनिकेशन ग्राफिक डिजाइन एजुकेटर एंड प्रैक्टिशनर वह अपनी कार्य और शिक्षण में सस्टेनेबिलिटी को हमेशा मुख्य विषय रखती हैं। आज मोनिका जी पानी, कंपोस्टिंग और जल संरक्षण के लिए कैसे हम सब अपने स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ओवर टू यू मोनिका जी। थैंक यू सो मच मधुमिता जी। मैं गुरुजल टीम के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस दिवस पर और इस मंच पर आमंत्रित किया। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को और हमारी ग्रामीण बहनों को, मेरे को मैं उनको भी हार्दिक आज वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सबके लिए हर दिन वुमेन्स डे रहे, अत्यंत सुख शांति और अच्छी सेहत से भरा रहे। आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। तो आज के युग में हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, उनको अडॉप्ट करना फैशनेबल ही नहीं लेकिन अनिवार्य भी है, क्योंकि तेज गति से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम्स नष्ट होते जा रहे हैं,
जिनका पानी एक बहुत बड़ा भाग है। आज मैं नारी और नीर के विषय पर पानी देखा अनदेखा के नजरिए से पेश कर रही हूँ। वो पानी जो दिखता नहीं है, आंखों से ओझल हो जाता है और हम उसे खो देते हैं। बताने के लिए तो खैर बहुत कुछ है जो मैं जाति स्तर पर करती हूँ, लेकिन मेरे पास केवल सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आज मैं कंपोस्टिंग पर बात करना चाहूँगी, जो हमारे समाज में, हमारी मिट्टी में, जल और वायु में बहुत बदलाव ला सकती है। तो ये अनदेखा पानी है कहाँ? ये अनदेखा पानी है कहाँ? अभाव ये अनदेखा पानी है कहाँ? शायद हमारे जैविक कूड़े में, रसोई के कूड़े में और बगीचों से निकले हुए हरे पत्तों में। रसोई के कूड़े में भी हरे हरे होते हैं, जैसे छिलके होते हैं, और बगीचे से निकले हुए हरे पत्तों और डालियों में। हमारे घरों के रसोई और बगीचे से जो हरा कूड़ा कचरा निकलता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, लगभग 70 से 90%। और इस कूड़े को हम काले थैले में भरकर अनदेखा करके अपने शहर के लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ में भेज देते हैं, जो हमारी वायु, भूमि और जल को गंदा कर देता है। दुख तो इस बात का है कि हम इस अनदेखे प्राकृतिक पानी को सींचने में नाकाम हो जाते हैं। देखते हैं इस अनदेखे पानी को कितनी आसानी से सींचा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहूंगी, आप इसको देखिए और अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो देखिए। घर पर खाद बनाने का तरीका देखते हैं, वो भी आपके किचन से निकले गीले और बगीचे से निकले हुए सूखे और हरे कचरे से, ग्रीन्स एंड ब्राउन्स। इनको आप लैंडफिल में जाने से रोक सकते हैं और इसमें छिपा हुआ 70 से 90% पानी और पोषण को सींच सकते हैं। रोज किचन से निकले कचरे को प्लास्टिक की थैली में भरकर ना फेंकें। किचन वेस्ट, सूखे पत्ते या कोकोपीट या पुरानी कंपोस्ट और 10 से 20 मिलीग्राम माइक्रो पाउडर या लिक्विड को अच्छी तरह से मिलाकर एक गमले, कंपोस्टर या गहरी क्यारी में डालें। ध्यान रखें, 4 से 5 दिन बाद दिन में एक बार मिश्रण को मिक्स करें, जिससे उसमें ऑक्सीजन की कमी और बदबू ना हो। उसे पत्तों से ढक दें। मिश्रण भेलपूरी जैसा दिखना चाहिए, गीला नहीं। दही को 3 से 4 दिन एक बोतल में भर कर रखकर माइक्रोब्स भी घर पर ही बनाए जा सकते हैं और इस तरह से 45 से 50 दिनों में एक सुंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट या जैविक खाद तैयार हो जाएगी। इस खाद को आप अपने फूलों या सब्जियों के पौधों में डाल सकते हो। ये पानी को सींचती है, उसे सूखने से रोकती है, पानी की बचत करती है और पौधों को बीमारियों से बचाती है। तो आपने देखा, ये तो इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर हम घर पे या अपने आंगन में खाद बनाना चाहें, तो अभी तक हजारों लोग हैं जो कम्युनिटीज में, अपने जहाँ पे वो रहते हैं, अपने कॉलोनियों में ये खाद बनाने की मुहिम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी हमारे शहरों में अभी बहुत काम बाकी है। कंपोस्टिंग या खाद बनाने के लिए आपके पास सिर्फ किचन और हॉर्टिकल्चर वेस्ट में भरपूर पानी और नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें हम कार्बन से भरपूर सूखे पत्ते या कोकोपीट मिलाते हैं, जो जैविक कूड़े को बनाने और उसमें जो पानी होता है उसको सींचने के लिए मदद करता है। इन सब के मिश्रण से कंपोस्टिंग के द्वारा सुंदर खाद बनती है। आप लोगों ने गांव में तो देखा ही होगा, आप लोग गोबर की भी खाद बनाते हैं। इसमें माइक्रो पाउडर भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद भी माइक्रोब्स से भरी होती है, तो उसके जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी से कूड़ा जो है खाद में परिवर्तित हो जाता है और अधिक पौष्टिक भी हो जाता है। तो कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत होती है अपने घर से। इस अनदेखे पानी को सींचने के लिए जरूरी है कि हम अपने घर से जो जैविक कूड़ा उत्पन्न होता है उसको बाकी कूड़े से मिश्रित ना होने दें। ये जैविक कूड़ा हमारे कूड़े के थैले का 65% हिस्सा होता है, जो इस खाद में परिवर्तित हो सकता है। उसे बेकार होने से बचाया जा सकता है, लैंडफिल से बचाया जा सकता है। हम इस जैविक कूड़े को अलग-अलग रखते हैं तो यकीनन हमारा जितना भी प्लास्टिक है, कागज है, लकड़ी है, गत्ता है, जितना भी रिसाइक्लेबल वेस्ट है, वह गीले कचरे के साथ खराब ना होकर रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है
और उसका पुनर्निर्माण हो सकता है। उससे हमारी जो नदियां हैं, नाले हैं, समुद्र है, प्लास्टिक मुक्त हो सकता है और हमारे जल निकाय का संरक्षण हो सकता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ आर वाटर बॉडीज, जो हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है और गुरुजल का शायद एक बहुत बड़ा अंग है। एक और खाद होती है जो आप केवल हॉर्टिकल्चर वेस्ट के साथ बना सकते हैं। आइए देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, हमने अपनी कम्युनिटी में, जहाँ मैं रहती हूँ गुड़गांव में, कैसे एक बड़े पैमाने पर करीब 72,000 टन हॉर्टिकल्चर वेस्ट को हमने लैंडफिल में जाने से रोका, उसका हमने खाद में परिवर्तन किया। तो ये करने में हमें एमसीजी से भी बहुत सहायता मिली, उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास भेजा। तो आइए देखते हैं, शेयर किया, दिख रहा देवराना है? कंट्री, गुरुग्राम, हरियाणा, लगभग 115 एकड़ में फैला हुआ टाउनशिप। यहाँ अलग-अलग प्रजाति के 6,000 से भी अधिक पेड़ हैं। 10 साल के पश्चात सन 2020 में बड़े पैमाने पर पेड़ों की छटाई की गई। अक्सर आंधी तूफान में पेड़ अपने भार से गिर जाते थे। एमसीजी के द्वारा दिए गए ट्रैक्टर श्रेडर से हमने सारे सूखे पत्तों एवं पतली शाखाओं के छोटे छोटे टुकड़े किए। सबसे पहले श्रेडर द्वारा काटे हुए हॉर्टिकल्चर वेस्ट को छोटे छोटे ढेरों में रखा गया। इन ढेरों पर रोज एसटीपी का पानी और कभी कभी वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाता था। 2.5 महीने के बाद सुंदर लीफ मल्च तैयार हो गए। इसका प्रयोग हमने अपने बगीचों और सड़क के किनारे वाले पेड़ों पर किया। लीफ मल्च मिट्टी को पोषण देती है और मिट्टी में पानी की नमी को बनाकर रखती है। इसका प्रयोग करने से भीष्म गर्मी में भी पौधों को रोज रोज पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे मालियों और फूलों की झलक देखिए कितना सुंदर। देखा आपने कितना सुंदर। और हमारे साथ तो जितनी ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे प्रस्तुत हैं, वो तो अपने खेतों में रोज सरसों लहराती हुई देखती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत आसान है अपनी हॉर्टिकल्चर वेस्ट को और किचन वेस्ट को खाद में परिवर्तित करना। और हमारे स्कूलों के बच्चे भी ये कर सकते हैं, अपने स्कूल में ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। अब कंपोस्ट बनाने का कमाल देखते हैं कि कंपोस्ट से होता क्या है। पीडीएफ में जाएंगे। कंपोस्ट का सबसे पहला फायदा ये है कि जब आपके घर पर कंपोस्ट बनाते हैं और जिस मिट्टी में कंपोस्ट डालते हैं, वह मिट्टी एक मैग्नेट की तरह बन जाती है। सब बच्चे समझते हैं मैग्नेट है, अपने आप को चीजों को आकर्षित करता है और पानी को वो अपनी तरफ खींचती है और उसे बटोर कर रखती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पानी सख्त मिट्टी के ऊपर से बहकर नाली में मिल रहा है, लेकिन अगर इस मिट्टी में कंपोस्ट होती तो वह पानी को अपने अंदर ही समा लेती और उसे ग्राउंड वाटर तक ले जाती। वह इसे डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को होने से रोकती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक डेजर्ट के बॉर्डर पर हैं, राजस्थान का बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरा फायदा, बढ़ते शहरों और आबादी में अक्सर पानी की कमी का हाहाकार मचा रहता है। अगर कंपोस्ट के उपयोग से हमारे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाए तो पानी की इस तरह की कमी का उपचार हो सकता है। तीसरा फायदा ये है कि बिना कंपोस्ट के मिट्टी बेसहारा होती है। कंपोस्ट मिट्टी के लिए गोंद का काम करती है, उसकी शक्ति से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। आसानी से मिट्टी बरसात में बहकर बेकार नहीं होती। हमारे देश में कितने शहर हैं जो हर साल सॉइल इरोजन की वजह से भारी नुकसान होता है और वहाँ पे जो शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं उनमें उनको हिला देता है। अब चौथा फायदा देखते हैं कंपोस्ट का। इस खाद के उपयोग से पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, बंजर धरती भी पुनर्जीवित हो जाती है, मिट्टी का गठन सही होने से उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ती है, जिससे पौधों की जल मांग में कमी आती है, उन्हें बार बार पानी नहीं देना पड़ता। कंपोस्ट खाद सिंचाई में होने वाले खर्च को भी कम करती है, तो ये हो गई हमारी पानी की भी बचत। पांचवा फायदा, अब हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करते हैं।
जो चींटियां हैं, दीमक है, केंचुए हैं, जैसे अलग अलग जीव जो कंपोस्ट से उत्पन्न होते हैं, ये पैदावार बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी में मल्टीविटामिन्स का काम करते हैं और आप जो भी बोते हैं उसको पोषण देते हैं। मिट्टी में इनकी कभी जो कमी होती है, जब भी मिट्टी में इनकी कमी होती है तो ये फैमिन या सूखा या ओवर यूज्ड सॉइल की तरफ संकेत देता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, अपनी मिट्टी को देखना है, उसको परखना है, उससे समझना है, क्योंकि मिट्टी ही हमारी जीवात्मा है। सॉरी टू इंटरफेयर, थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। छोटा फायदा है कि हमें केमिकल्स नहीं यूज करने पड़ते और बीमारियों से दूर रहेंगे। सातवां फायदा, जहां हरा भरा रहेगा वहां बारिश भी मन भर कर आएगी और पानी की कमी नहीं होगी और आपका पुनर्जीवन मिट्टी का दूसरा जीवन होगा और इसको आपको पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। आप भूल जाएंगे कि शुरुआत केवल अपने किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट से की थी। देखा, इस तरह आपने अनदेखे पानी को समेट कर सृष्टि के संतुलन को बनाने में कितना बड़ा सहयोग दिया। मिट्टी और पानी के प्रति इस प्रेम को अपने परिवार और बच्चों तक भी लेकर जाएं। उन्हें मिट्टी को हाथ से लेकर उसकी सौंधी खुशबू को सूंघने दें, उन्हें फल सब्जियां उगाने दें, उन्हें पेड़ लगाने दें, उन्हें पानी की मान्यता का एहसास होने दें। अब ये सब करना तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एक बार अपना मन बना लें तो कुछ भी कठिन नहीं। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको कंपोस्ट बनाने के लिए और आप उनसे कंपोस्टर भी खरीद सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, गड्ढे घाट सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी में हर माह, हर महीने 150 टन कंपोस्ट बनाते हैं और एक दिन का कम, हर महीने कम से कम 7 टन कूड़ा लैंडफिल से दूर रखते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आपने कूड़े को भी दूर रखा, उसका पानी भी सींचा और अपने जो मिट्टी है, सॉइल को भी पोषण दिया। तो पानी की भी बचत, उपजाऊ मिट्टी, पूरा समुदाय खुश। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करूंगी और आशा है कि आप में से कुछ प्रोत्साहित होकर इस पद पर निकल पड़ेंगे। और इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर बीइंग टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। No, it was a glitch little bit. Thank you very much, Monica जी. आपने बहुत ही साधारण तरीके से असाधारण प्रोसेस को हमें समझाया. बिना समय गवाए अब मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर की तरफ आप लोगों से परिचय करवाती हूँ. हमारी नेक्स्ट स्पीकर है पूर्णिमा सरगांवकर. पूर्णिमा जी इनरिच सॉयल एंड सोल नाम की कंपनी चलाती हैं. इस कंपनी के माध्यम से वह अच्छी उर्वरक मिट्टी बनाना तथा गीले कचरे का निपटारा करना बताती हैं। ग्रो व्हाट यू ईट एंड ईट व्हाट यू ग्रो तथा गार्बेज टू ग्रीन उनके मंत्र हैं। उनके जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल दूरदर्शन किसान के 20 से भी अधिक एपिसोड में दिखाए गए हैं। पेशे से वे इसरो में फेलियर एनालिसिस इंजीनियर थी। उनके वर्तमान में यूट्यूब एपिसोड्स बहुत ही चर्चा का विषय है। आज पूर्णिमा जी अपनी खेत में हैं। ओवर टू यू पूर्णिमा जी। थैंक यू मधुमिता, और सबको, सारे बच्चों को, सारे महिलाओं को, सारे स्पीकर्स को, सारे गुरुजल परिवार को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, पहले मैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लूँ। गुरुजल एंड टीम, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू सो मच। बच्चों, मुझे सुन पा रहे हो? एक बार हाथ हवा में कर दो, यहाँ से करो, यहाँ से हाथ ऊपर, सारे सारे बच्चे दोनों हाथ करो, मुझे सुन पा रहे हो? मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। मुझे हाँ मधुमिता, मुझे बच्चों को और सारे स्क्रीन को दिखने दीजिए, मैं अपने आप को देखना कम पसंद करूंगी। जी थैंक यू, और सारी महिलाएं भी मुझे दिख रही है। क्या महिलाएं, महिलाओं को, सारों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ, सारी महिलाओं को बधाई दे रही हूँ। सारी महिलाएं, क्या मैं देख सकती हूँ आपको? जी, वो आपको सब देख पा रहे हैं, वो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको देख रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं वो स्क्रीन ऐसे रख रही हूँ कि मुझे सारी क्लासेस यहाँ पर दिखे। ओके ओके ओके। बहनों प्रणाम। मेरा, अगर मैं वीडियो शेयर, ये मेरा स्क्रीन अगर शेयर कर सकती हूँ तो मैं आज के विषय में बात करूंगी, महिलाओं और बच्चों। मैं आज कहानी सुनाऊंगी। सब लोग सबसे पहले अपने आप को दो बार ताली दे के अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें।
एक इसलिए कि आज महिला दिवस है, महिला के बगैर कोई जीवन नहीं होता। तो सबसे पहले क्या ताली बजाएंगे सब लोग, मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हो आप, ताली बजा सकते हो, थैंक यू सो मच। और दूसरा, आप अपने आप को धन्य मानिए सब लोग, हर जीव आज जो इंसान के रूप में यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है। हम 2/3 पानी से बने हुए हैं और 1/3 बाकी सारा मास है। सो हमारे अंदर पूरा 2/3 पानी है। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो प्लीज सारे लोग। मुझे एक नवकेश जी के कैमरा से बहुत सारे बच्चे सामने दिख रहे हैं, पर वो बच्चे बड़े स्टिल दिख रहे हैं मुझे। तो बच्चों, मैं चाहूंगी आप बस एक्शन करो, आपकी आवाज आने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक। सो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? नारी पानी है और एक नारी मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, बट आई विल मैनेज थ्रू। सो एक नारी पानी का महत्व क्यों जानती है? क्योंकि वो अपने अंदर रहने वाले पानी को तब महसूस कर सकती है जब उसके पेट में, उसके गर्भ में बच्चा आता है। हर नारी को पता है कि अपना गर्भ में अपना बच्चा सिर्फ पानी के अंदर ही सुरक्षित रह सकता है। दूसरा, आप देखें महिलाओं और बच्चों कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां पर पानी की कमी है वहां वहां पर अगर आपको पानी घर तक लाता हुआ कोई भी क्रीचर दिखेगा, कोई व्यक्ति दिखेगी, तो उसमें 60-80% महिलाएं होंगी। ये अलग अलग देश के मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये यूरोप का पिक्चर है या अफ्रीका का पिक्चर है। किसी का माइक शायद ऑन हो गया है। ओके, सो ये अफ्रीका का पिक्चर है और ये बिल्कुल जहां पर बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, टूरिस्ट को दिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत दुखदायक चित्र है हमारे राजस्थान, हमारे गुजरात के कच्छ के इलाके का। सो ये भी नारी और नीर का एक रूप है। जहां पर भी पानी को ग्लैमराइज करना है वहां पर आप देखोगे स्विमिंग पूल में या पानी में नाचती हुई महिला बड़ी सेंसुअस लगने लगती है। So, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन नारी और नीर का कॉम्बिनेशन शायद हर स्तर पर है। चलिए आगे देखते हैं। आज पानी का ये हाल है, ये हमारे कई प्रदेशों में आपको ये हाल दिखाई देगा। पानी का यहां तक क्यों आया बच्चों, महिलाओं, गुरुजल के शुरुआत के वीडियो में गुरुजल ने दिखाया था कि हमारे झोड़ मर रहे हैं और उस झोड़ को हम रिवाइव कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज मैं अपने खेत से आपसे बात कर रही हूं। मेरा खेत छत्तीसगढ़ में है, पिछले 10 दिन से मैं यहां पर डेरा जमा कर बैठी हुई हूं। और मैं यहां पर कर क्या रही हूं, तो सिर्फ मेरे खेत में पानी का प्रावधान कर रही हूं। छत्तीसगढ़ में मुझे इतना आश्चर्य हुआ सुनकर कि छत्तीसगढ़ में पूरे 4 मास लगातार बारिश होती है, किंतु जैसे गर्मी आती है तो छत्तीसगढ़ों में ये सीन शुरू हो जाता है, ये जो टैंकर का सीन है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि रेगिस्तान में, राजस्थान में, कच्छ में मैं समझ सकती हूँ कि लोग पानी का टैंकर मंगवा के पानी लाते हैं, पर छत्तीसगढ़ में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि बाकी 8 महीने हम पानी को वेस्ट करते हैं। वेस्ट पानी माने क्या, हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन मैं आपको ये दूसरा स्क्रीन दिखा दूं। ये सारे बहुत ही नोन आमिर खान के एक सत्यमेव जयते के एक प्रोग्राम में, आप लोगों ने, अगर जिसने भी सत्यमेव जयते प्रोग्राम देखा होगा बच्चों, तो आपने सारे सीन देखे होंगे, पानी की क्या किल्लत होती है वो देखा होगा। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के जिस एरिया से मैं आती हूं, मराठवाड़ा रीजन कहते हैं उसको, मराठवाड़ा रीजन और उसके आसपास पानी की बहुत किल्लत है। बेटा, मैं जिस शहर में 10वीं तक पढ़ी हूँ, वहां पर उस शहर में मेरे बचपन से लेके आज तक 15 से 20 दिन में एक बार नल में पानी आता है। ये खटिया मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे उस प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में इस खटिया पर बैठ के नहाने का रिवाज है। क्यों नहाते हैं खटिया पर बैठकर? क्योंकि इसके नीचे एक बड़ा सा तसला रखा जाता है। नहाने में कोई भी साबुन या केमिकल यूज नहीं किया जाता, राख या मिट्टी से नहाया जाता है
और उसका पानी नीचे जो तसला रखा जाता है उस तसले में नहाने का पानी इकट्ठा किया जाता है। परिवार का हर सदस्य खाटले पर बैठकर नहाएगा, नीचे तसला रखेगा, उस तसले में मिट्टी या राख का पानी इकट्ठा करेगा और वो पानी या तो अपनी भैंसों को पिलाएगा, भैंसों को राख का पानी पिलाते हैं, जो गांव से जुड़े हुए नहीं है, जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और या तो खेतों में पौधों को वो पानी डाला जाता है। ये सीन मैंने इसलिए दिखाया, ये मेरे बचपन का सीन है। मधुमिता जी ने कहा कि कई लड़कियां स्कूल से वंचित रह जाती है क्योंकि उनको पानी भरना पड़ता है। बच्चों मैं बताऊं, करीब 10वीं तक हमारे घर में नल नहीं था। मैं मराठवाड़ा रीजन के परभणी जिले से बिलोंग करती हूं, वहां पर मेरा एजुकेशन हुआ है, जहां पर मैंने कहा कि आज भी 20 दिन में एक बार पानी आता है। हैंडपम्प्स हुआ करते थे, कम्युनिटी हैंडपम्प्स हुआ करते थे, मेरे घर से शायद वो 300-350 मीटर दूर था और हमें स्कूल जाने के लिए तब तक नहीं मिलता था। माँ से डांट पड़ती थी, पिटाई भी हो जाती थी जब तक हम हैंडपम्प से पानी निकाल के और घर में दो टंकी पानी ना भरे भाई बहन सब मिलके। आज भी मेरे हाथों में वो हैंडपम्प चलाने की वजह से यहाँ पर जो गांठे पड़ी हुई है ये उस हैंडपम्प की गांठे पड़ी हुई है। किंतु हमें तब भी बुरा नहीं लगा और हमें आज भी जो भी मैं पानी के लिए आज मैं अपने खेत में करती हूँ, यहाँ पर बहुत फैशन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं तरीकों ने मुझे पानी के साथ एडजस्ट करते हुए जीना सिखाया है। पानी की ये किल्लत, पानी पानी का महत्व क्या है, यहाँ से मैं पली बढ़ी हूँ। उसके बाद जब मैं शहरों में आई तो ये होली का गुरुग्राम में हमारी खुद की सोसाइटी में होता हुआ पानी का चिन्ह है, यह है होली। अभी आने वाली है कुछ दिनों में, आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में जहां पर पानी आपके घरों तक आता है वहां पर यह तो एक उदाहरण है। होली में शॉवर्स वगैरह लगा के पूरे पानी का वेस्टेज करके और नीचे डिस्को डांस चला के और अपनी होली मनाई जाती है। जहां पर गांव खेत एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, यहां पर आज मेरे पास रिसोर्स है, मैं खेत में काम कर पा रही हूँ। मेरे आसपास के सारे किसान पिछले 10 दिन से मेरे पास आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मैडम आप क्या कर रहे हो यहाँ पर खेत पर, ये करने से पानी क्या होगा, हम यहाँ पर गर्मियों में खेती नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में पानी नहीं है। ये जो सारी मैं बातें सुन रही हूँ, एक तरफ ये सीन है और दूसरे तरफ ये सीन है। मोनिका जी जिस सोसाइटी में रहती है, मैं भी उसी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं देख रही थी हमारे सोसाइटी का, आज हम 3 लोग हैं, मोनिका है, मेरे ख्याल से शालू साहनी भी है और मैं हूँ। और हमारे ही सोसाइटी के होली का 2 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, या हो सकता है 3 साल पहले तक, क्योंकि 2 साल पहले हमने काफ़ी लोगों ने, रेसिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि इस तरह से पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो ये पानी का हाल है शहरों में। उसके बाद ये मुंबई में जहाँ पर पानी की किल्लत, वहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल से वापस जाते समय एक बाल्टी रखी गई है और ये बताया गया है कि इससे पहले और जूठा पानी ये लेकर यहाँ से पेड़ों को पानी डाला जाता है। उसके बाद अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको बच्चों, मुझे थोड़ा वाइडर स्क्रीन चाहिए मधुमिता, मुझे लोग नहीं दिखे तो मुझे बड़ा मोनोलॉग लगता है, मुझे थोड़ा, मुझे आप छोटा कर दीजिए, मुझे छोटा कर दीजिए, मेरे दिखने की जरूरत नहीं है, और मुझे सारे बच्चे और महिलाएं दिखने दीजिएगा। एक्चुअली काफी जगहों पर मॉनिटर के थ्रू और अलग अलग गांवों में वीक मुझे दिख रहा था पहले वो, पर अभी मैं स्क्रीन वो कर रही हूँ तो मुझे आप ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है इसी वजह से वो बैकग्राउंड आपको ओके ओके ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ, मुझे लोगों को देखना है, आप मेरा ओके स्टॉप शेयर, ओह थैंक यू सो मच। अभी आप इसको वाइडर कर सकते हैं, सारे मुझे दिखे। सारी महिलाओं और बच्चों ये बताओ कि पानी की ये किल्लत हुई कैसे, अगर हमारे धरती पर इतना बड़ा समंदर है, हम सब जानते हैं, किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी दादी नानी कहीं स्कूल में नहीं गई थी लेकिन उसको पता था कि समंदर का पानी बाफ बन के बादल बनते हैं और बादल जब जमीन पे गिरते हैं तो नदी नालों में फिर पानी आता है और नदी नाले फिर जाके समंदर को रिचार्ज करते हैं। सो ये सारी प्रक्रिया गई कहाँ, हमको क्यों यहाँ पर खेतों में, घरों में, शहरों में ये पानी की किल्लत हमको क्यों हो रही है, वो इसलिए बहुत बहुत कारण है। मतलब मैं हरदम, समय कम है वरना मैं कहानी सुनाती हूँ जिनकी,
कि बहुत अच्छी धरती चल रही थी, फिर एक राक्षस आया, उस राक्षस ने सारे पेड़ खा लिए, सारे पेड़ काट दिए, सारे जंगल काट दिए, बहुत सारा प्लास्टिक शुरू किया, और उसके बाद में पानी सूखता गया, हमने अपने टॉयलेट्स बना लिए, वॉश बेसिन्स बना लिए, वहां से पानी गटर में चला गया और वो पानी प्रदूषित इतना हो गया कि जब तक नदियों में या समंदर में जाता तो वो पीने लायक या यूज करने लायक नहीं हुआ। इसी को कहते हैं बहनों, मेरी सारी जो गांव की महिलाएं मुझे सामने दिख रही है और बच्चों, इसी को कहते हैं वेस्ट वाटर। और मैं माफी चाहूंगी मेरे गांव की महिलाओं से कि गांव की महिलाएं, बहनों, आप लोग हमारे शहरी लोगों से ज्यादा पानी का महत्व जानते हो। आप खुद कुएं से पानी निकालते हो, आप खुद सर पर घड़ा रख के मीलों तक चल के जाते हो, आप खुद बाल्टियों में मग्गे में ले लेके बर्तन धोते हो। दिक्कत क्या हुई है कि आप पानी के पास जाते हो और पानी हमारे पास आ गया है। जो चीज आपके पास आती है उसका कीमत कम हो जाता है। तो हमारे लिए, शहरों के लिए पानी की कीमत कम हो गई है, और मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि हम शहरवासी पानी वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए आपके झोड़ सूख रहे हैं। नतमस्तक प्रणाम करके माफी चाहती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि हर शहरी इंसान हर किसान से माफी मांगे, हर उस गांव से माफी मांगे जहां पर पानी की किल्लत है। और बच्चों, आप भी आज शाम को घर जाने के बाद जब वॉश बेसिन में नल खोल के जहां पर आधे लोटे पानी में आपका ब्रश हो सकता है, वहां पर अगर आप पूरा लोटा पानी यूज करके या नल खोल के अगर ब्रश कर रहे हैं, तो सबसे माफी मांगे, समंदर से, नदी से, उस हर इंसान से जिसको आज एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। सो ये पानी गया कहां? हमको पता है समंदर से बाफ बनती है, क्लाउड्स बनते हैं, मेघ बनते हैं, उससे बारिश आती है। बारिश धरती पर तभी आती है जब पेड़ हो। हमने पेड़ काट दिए, वो धरती पर आई हुई बारिश जमीन पर तभी रुकती है, मिट्टी पर तभी रुकती है जब मिट्टी की सतह की कुछ 1 से 2 मीटर तक जो मिट्टी का टेक्सचर है, जो मोनिका जी ने आपको बताया कि कॉम्पोस्ट जैसा हो, स्पंज जैसा हो, वहां पर पानी रुकता है, वहां से वो धीरे 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 अगली बारिश तक चाय की छन्नी की तरह छनता हुआ जो जमीन के नीचे सारे अपने प्रवाह है वहां तक जाता है, जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। आज खेतों में बहनों को पता होगा, बहुत सारी महिलाएं मुझे सुन रही है, गाँव की महिलाएं सुन रही है, आपको पता होगा आपके बोर सूख रहे हैं, वहां पर समय समाप्ति की तरफ है। जी बस 2 मिनट, एक बार और माफी मांगू फिर मैं समाप्त करती हूँ। सो आपको पता है कि आपके खेतों में 300 फुट 400 फुट खोदो तब भी पानी नहीं मिल रहा है। इस पानी को अगर मिट्टी में वापस जाने की जरूरत है तो आप, हम, बच्चे, शहर, गांव, सब लोगों को मिलके सिर्फ एक काम करना है, पानी से प्यार करो। जहाँ पर आप पानी से प्रेम करते हैं वो चीज आप वेस्ट नहीं करते। तो पानी सेव करो, पानी सेव करो, जो बोलते हैं ना, सेविंग करने के 2 तरीके होते हैं, आपको भी पता है। आपके पास 15 रुपए है, अगर आपको 15 रुपए बचा के रखने हैं तो कम खर्चा करो और 15 रुपए जितना लंबा समय तक चला सकते हो उतना चलाओ। बस पानी के विषय में भी यही करना है। इसके बाद आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबसे एक शहरी तरीके से, मैं भी जीती हूँ, मैं बहुत अवेयर रहती हूँ, किंतु आपके लिए, इस पानी की किल्लत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ, आपसे माफी चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही जरूरी बातें बताई। मैं खुद भी राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ और मैंने भी बचपन में पानी की किल्लत को बहुत ही करीब से देखा है। मुझे पता है एक न केवल महिला होने के नाते एक पूरा परिवार इस समस्या से जूझता है और इसका असर खास तौर पे लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उम्मीद है कि हम इसमें कुछ परिवर्तन ला सकेंगे। हमारी आज की नेक्स्ट स्पीकर हैं समीरा सतीजा जी। पेशे से वे ऑडिटर है परंतु साथ ही में वह एक वॉलेंटियर भी है। जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पश्चिमी सभ्यता की देन डिस्पोजेबल वेस्ट की समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने कॉकरी बैंक फॉर एवरीवन की स्थापना की, जो कि एक फ्री सर्विस है जिसमें आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए स्टील के बर्तन ले सकती हैं। यह बहुत ही सफल अभियान है और अब तक इस प्रयास से वह और उनकी टीम पूरे देश में
550,000 सिंगल यूज प्लास्टिक को कचरे में जाने से बचा सकी हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इस शुरुआत को सस्टेनेबिलिटी विजन 2030 के अंतर्गत सराहा है। साथ ही में वह गुरुजल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी हैं। अब हम उनसे सुनते हैं। ओवर टू यू समीरा जी। सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुजल सारी टीम को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पे बुलाया और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनसे बात करने का मौका दिया। अच्छा होता कि हम डायरेक्टली मिलकर बात करते, लेकिन क्योंकि यू नो सब जगह जाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये एक टेक्निक जो हमें एक आईटी वर्ल्ड ने प्रोवाइड किया है कि हम अपने घर बैठे रहे के लोगों से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और आपको सभी को बहुत बहुत बधाई इस दिन की। वैसे तो महिलाओं के लिए कोई भी एक दिन निश्चित करना सही नहीं होता है, हर दिन ही महिला दिन होता है, लेकिन रहना जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम उस दिन समझें, उस दिन ये जाने कि क्या काम हम अभी तक करते आए हैं, क्या हमें गलतियां की हैं, क्या हमें सीखने की जरूरत है। हेलो, कृपया बाकी को अपना माइक म्यूट पे रखें। जी समीरा जी। ओके। तो जैसे मधुमता जी ने इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम समीरा सरीजा है और मैं एक सरकारी विभाग में काम करती हूँ, लेकिन उसके अलावा पर्यावरण को लेकर मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा अलर्ट थी, अवेयर थी। मैं सबसे पहले ये समझती हूँ कि मेरी नागरिक होने के नाते मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है। मैं ये कहूँ कि सरकार ये नहीं करती, ये ग्राम की पंचायत नहीं करती, उससे पहले मैं अपने अंदर झांकूं और मैं ये देखने की कोशिश करूं कि मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है। तो उस नाते मैं ये भी जरूर कहूंगी कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ और ये सब करने के पीछे शायद कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मेरे बच्चों का आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, क्या मैं उनके लिए एक मकान बना छोड़ के जा रही हूँ, एक गाड़ी लेके जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं उनको साफ हवा, साफ पानी, एक अच्छी मिट्टी भी देके जा रही हूँ। उस चीज ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये देखूं कि मैं अपने लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स कर सकती हूँ। तो जब मैं अपने आसपास में कोई भंडारे किसी भी तरीके का कोई इस तरह का कोई ना कोई हमारे यहाँ कोई फंक्शन होते रहते हैं तो ये होते हुए देखती थी और उसमें अक्सर लोग सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको थर्मोकोल प्लास्टिक कहते हैं उसका उपयोग करते थे और उसके बाद वो प्लास्टिक वहीं छोड़ दिया जाता था और वो क्योंकि बहुत हल्का होता है तो उड़ उड़ के जो है रास्ते में जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब है, नल है या जो जो बारिश का पानी निकलने का रास्ता होता है उसके जो नाले होते हैं उनको चोक कर देते हैं। आप यकीन मानिए जब भी कभी आप देखेंगे किसी नाले की सफाई होते हुए, आप यकीन मानिए उसके अंदर आपको हमेशा ही प्लास्टिक 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 ही मिलेगा। हमेशा ये जो नदी नाले तालाब चोक हो रहे हैं इसके पीछे प्लास्टिक ही सबसे बड़ा कारण है। तो जब मैं ये सब चीजें होते हुए देखा करती थी और मैं लोगों को समझाया करती थी कि देखिए ये मत यूज कीजिए, इससे हमारी जो पानी है, जो तालाब है, जो नदियां हैं, जो समुद्र है, वो सारे के सारे चोक हो रहे हैं। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी गलता नहीं है, ये 500 सालों तक हम चले जाएंगे, हमारी आगे की जनरेशन चली जाएगी, उसके भी आगे की जनरेशन चली जाएगी, लेकिन ये प्लास्टिक यही रहेगा। तो जब लोगों को ये बात बताने की कोशिश करती थी तो उसका हमेशा आगे से जवाब आता था कि तो फिर मैडम फिर हम क्या करें, जो कि सही बात है कि अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या सोल्यूशन है कि आपके घर में तो इतने बर्तन नहीं होते हैं। तो फिर हमने कोशिश की कि मार्केट में जाके पत्थर खोजने की कोशिश करें जैसे पहले हमारे जमाने में होता था, लेकिन मुझे मार्केट में कहीं पे भी वो पत्थर पत्तियों के जो बर्तन बने होते हैं वो नहीं मिले क्योंकि हर जगह प्लास्टिक और स्टायरोफोम मिल रही थी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने मुझे मजबूर किया कि ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक परेशानी देख के और ये सोच के कि अब सरकार इसके लिए कुछ करेगी मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो दिन थे जब मैंने शुरुआत की क्रॉपरी बैंक फॉर एवरीवन की,
जो कि एक स्टेनलेस स्टील बर्तनों का कलेक्शन है जो कि आप कोई भी अपने घर में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए ले सकते हैं और आपको उसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी आपने सही सुना, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, ये बर्तन ले जा सकते हैं। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो अभी आ रही है? नाउ योर ऑडियो। अभी सुन पा रहे हैं मधुमिता? नाउ ओके। सो क्रॉफी बैंक की शुरुआत उसका पर्पज यही था कि आप जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जो उससे हवा को खराब होती है या हमारी वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके नुकसान को हम बचा सकें। और जैसे कि अभी उससे थोड़ी देर पहले मोनिका मैम ने भी बात की कि एक अनदेखा पानी होता है, एक पानी वो होता है जो हम देख पाते हैं और उसको हम रोक पाते हैं वेस्ट होने से, लेकिन एक पानी ऐसा होता है जो अनदेखा पानी होता है, वो हम नहीं समझते कि वो कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज जो सिंगल यूज की होती है, हर चीज को बनने में बहुत 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 ज्यादा पानी का प्रयोग होता है। आप ये मानिए कि एक जींस जो आपका बच्चा पहनता है या एक शर्ट जो आपके घर में पहनी जाती है उसमें कई हजार गैलन पानी का यूज होता है सिर्फ एक जींस को बनने में। तो आप ये समझिए कि एक जींस को बनने में इतने गैलन पानी का यूज होता है, उसी तरह जो भी चीज हम सिंगल यूज की बनाते हैं जो कि दिन में कितनी ही हजारों लाखों की संख्या में बनती है और हजारों लाखों की संख्या में वो फेंक दी जाती है, तो कितना गैलन पानी उसके अंदर यूज होता होगा। कभी जब आप इस समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें जिनके हम ध्यान नहीं देते हैं वो कितना पानी कंज्यूम करती हैं। तो ये सब चीजें मैं जानती थी, मैं समझती थी, तो उन सब चीजों के लिए छोटा सा प्रयास किया मैंने और इस कॉफी बैंक की हमने स्थापना की जिसको कि फिर पूरे देश में बहुत सराहा गया। अब आज हमारे पास 30 टीम्स हैं जो कि मिलजुल के काम कर रही हैं और 5,50,000 का हम सिंगल प्लास्टिक बचा चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे गांव के मंदिर होते हैं, उल्लावास गांव है, सहजाबाद गांव है, इसके अलावा एक और गांव है, जो गांव के मंदिर हैं उसमें भी हमने क्रॉफी बैंक की स्थापना की है। वहां की ग्राम पंचायत ने आगे बढ़ के ये प्रयास किया कि मैडम हमें अपने गाँव के मंदिर में इसकी स्थापना करनी है ताकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक सके। तो इस तरह से सभी लोग इस बात की कोशिश कर सकते हैं, अपना अपना योगदान दे सकते हैं। हम बहुत बड़े काम अगर ना भी कर पाए तो हम छोटे छोटे काम करके बड़ा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी और ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें अपना कोई योगदान दे सकते हैं, स्पेशली बच्चे स्कूल से शुरुआत कर सकते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी तरह की आपको बात पूछनी है, काम करना है, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। आज के दिन इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि कभी आपसे रूबरू होकर बात करने का मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच समीरा जी। जैसा समीरा जी ने बताया, अक्सर हमें भी अपने जोहड़ों पर सबसे बड़ी परेशानी कार्य करते वक्त इसी सिंगल यूज प्लास्टिक से होती है जो नालियों को जाम कर देती है, रोक देती है। तो हमें इसकी तरफ बहुत ही अर्जेंटली ध्यान देना जरूरी है और ये तभी मुमकिन है जब हम सब अपनी तरफ से कॉन्शियसली सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि अक्सर धार्मिक और सामाजिक गोष्ठियों में इस्तेमाल की जाती है उसको पूरी तरह से नकारे और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। थैंक यू। आज की हमारी नेक्स्ट स्पीकर है शालू जोहर साहनी। प्योर हार्ट्स नाम की संस्था की ये प्रेसिडेंट है। यह 4 से 18 साल के बच्चों के द्वारा की गई एक शुरुआत है जिसमें सभी बड़े सहयोग करते हैं। यह अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, सीनियर केयर, एनवायरमेंट, कैंसर केयर जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है। पर्यावरण संरक्षण में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इनका बहुत ही सफल रहा। साथ ही में मेरी पहचान के अंतर्गत मेंस्ट्रुअल कप्स एंड वुमेन हाइजीन जैसे विषय जो अक्सर चर्चा से दूर होते हैं पर भी बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। ओवर टू यू शालू जी।
नमस्कार, मैं शालू जोहरसानी और मेरे साथ हैं पूनम अग्रवाल प्योर हार्ट्स की तरफ से। जो जैसे मधुमिता, थैंक यू सो मच, आपने कहा कि बच्चों की संस्था है। सबसे पहले सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत प्यार, और गुरुजल को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इतने शुभ अवसर पर बुलाकर हमें इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब महिलाओं को देती हूँ जिन्होंने नारी शक्ति की मिसाल कायम की, घर परिवार कामकाज के साथ देश की उन्नति ध्यान दिया है। सो और एक दूसरे के लिए बहुत प्रेरणा बने। सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दिस वुमन पावर। या थैंक यू। सो जैसे कि कहा कि प्योर हार्ट संस्था बच्चों ने 2014 में शुरू की, बड़ों ने और पेरेंट्स ने इनका सहयोग दिया ताकि बच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा दूसरों के प्रति कर सके और देश की तरह। बहुत सारे फंड रेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, चिल्ड्रन क्रिटिकली इल विद कैंसर, ऑटिस्टिक किड्स, बस्ती के बच्चे, कोविड में भी जैसे सेवा जाती थी दवाई और राशन के लिए, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता था और चिल्ड्रन विद नो फैमिली, सो ये चलता रहा। और साथ में ही बच्चों ने एनवायरनमेंट की तरफ भी काफी आवाज उठाई, नुक्कड़ नाटक करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ, स्वच्छ भारत कैंपेन्स, अवेयरनेस रैली फॉर रिवर्स ईशा फाउंडेशन के साथ, ब्रिंग योर ओन बैग लतिका जी आई एम गुड़गांव के साथ, किसी ना किसी तरह से मिशन हाथी बचाओ, जिस तरह से भी बस्ती गांवों शहरों में आवाज उठा सकते थे कि प्लास्टिक कैसे कम किया जाए, धरती कैसे बचाई जाए, और ये संदेश चलता रहा। जब ये सब चीजें चल रही थी, प्लांटेशन, सब नुक्कड़ नाटक, प्लास्टिक कम किया जाए, रिसाइकिल, रीयूज के नारे लग रहे थे, उस टाइम हम एज मदर्स जो उनको ट्रेन होती थी, हमें ये लगता था कि हम उनको तो सिखा रहे हैं कि प्लास्टिक मत लाओ, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, अपनी दीदियों को सिखा रहे हैं घरों में, बट खुद हम अपने घरों में व्हेन आई हमारे महामारी का टाइम आता था और हम लोग खुद सैनिटरी नैपकिन यूज करते थे, तो कितने सारे 10 से 12 सैनिटरी नैपकिन यूज टू बी यूजिंग। तो उस समय हमें बड़ी गिल्टी फील होती थी कि एक तरह से तो हम सिखा रहे हैं कि 600 साल लगते हैं प्लास्टिक सैनिटरी नो को गलने में, तो प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन भी तो इतना ही करेगा, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए शिमला के पहाड़ छोड़ के जाएंगे, जैसे समीरा जी भी मुझे बोलती थी कि या सैनिटरी नैपकिन के पहाड़, तो बड़ा गिल्टी फील होता था। तो उसी टाइम वी थॉट कि व्हाई डोंट वी टेक अ ड्राइव एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जो जिससे पैड्स सैनिटरी नैपकिन कम किया जाए अपनी जिंदगी से। सो अभी पूनम बताएंगी हमने फिर प्लान क्या किया। जैसे शालू जी बता रही थी, उसके बाद हमने अपना रिसर्च शुरू किया। हमारे रिसर्च में हमें 4 सस्टेनेबल ऑप्शंस मिले, इंसिनरेटर, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, क्लॉथ नैपकिन्स और मेंस्ट्रुअल कप। उसका हमने काफी सारा रिसर्च करने पे उसकी कुछ कुछ खामियां भी हमें नजर आई। जैसे इंसिनरेटर के साथ ये प्रॉब्लम थी कि इंसिनरेटर में से बहुत धुआं निकलता है, प्रदूषण भर रहा था और स्मेल बहुत आती थी जब पैड्स बर्न होते थे, जो पैड्स पर खून होता था उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती थी। सेकेंड ऑप्शन जो था बायोडिग्रेडेबल पैड्स का, वो सबसे परफेक्ट ऑप्शन था, बट वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा था। हम जब बस्तियों को देना चाहते थे दीदियों को, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था और उसके भी इश्यूज थे, जैसे आपको यूटीआई होता था, उससे रैशेज होते थे, जो नॉर्मल सैनिटरी पैड से प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम बायोडिग्रेडेबल पैड्स में भी हो रहे थे। क्लॉथ नैपकिन्स का जब हमने रिसर्च किया, वो एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि आप ना ही प्लास्टिक है उसमें और कपड़ा भी रीयूज हो रहा है और क्लॉथ वेस्टेज भी नहीं हो रहा, पर उससे भी प्रॉब्लम वही हो रही थी, धोने की प्रॉब्लम क्योंकि उसको वॉश करने के लिए पानी बहुत चाहिए, फिर उसको सुखाने की प्रॉब्लम, जो औरतें बस्तियों में रहती थी या छोटे चौल में रहती थी वो कहाँ उन्हें सुखाएंगी, क्योंकि उस पर से कई बार दाग जाते तो थे बट पूरे नहीं जाते थे एंड उस पर स्टेन्स रह जाते थे एंड वो कई बार उनको यूज करके एक दो यूज के बाद फेंक दे रही थी, तो जो सस्टेनेबल का व्यू पॉइंट था वो बहुत गांव की औरतों के लिए या बस्तियों की औरतों के लिए वो वर्कआउट नहीं कर रहा था, उन्हें उससे भी इश्यू हो रही थी। फिर हम आए मेंस्ट्रुअल कप पर, उसमें हमें फील हुआ कि वो सब चीज सब तरह से सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है, नॉट ओनली फॉर बस्ती की औरतें बट फॉर विमेन इन जनरल।
उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि आपको उसे यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो एक ही प्रोडक्ट होता है जो आप 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल है क्योंकि आपका लैंडफिल नहीं भरता, पहाड़ के पहाड़ नहीं जमा होते हैं सैनिटरी पैड्स के, और वो हम उसको एक कप को 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो आपका वेस्ट 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो वेस्टेज भी बहुत कम होती है, पानी का यूज भी बहुत कम होता है, जो आज की मेन समस्या है वाटर वेस्टेज की, उसको वॉश एंड यूज करने के लिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी यूज होता है। तो उसमें हमें फिर डॉक्टर से भी हमने सलाह ली, जो डॉक्टर मुक्ता कपिला है फोर्टिस की डायरेक्टर है गायनेक डिपार्टमेंट की, उन्होंने भी हमें बताया, काफी डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया कि हम ये ऑप्शन करें, बिकॉज दैट्स व्हाट डॉक्टर्स आर सेइंग, इससे यूटीआई और सर्वाइकल कैंसर के काफी चांसेस हैं, द क्लॉट बैंड्स आर यूज्ड, बिकॉज़ इट्स अ गुड ब्लड व्हिच इज इनसाइड यू, जब वो बाहर आता है कंटामिनेट हो जाता है तो वो पैड्स में बैड ब्लड बन जाता है। सो इन एवरी वे डॉक्टर्स वर ऑल्सो सजेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस कि हम आगे इसी दिशा में चले और मेंस्ट्रुअल कप्स की तरफ या टैम्पॉन्स की तरफ जाएं, पर टैम्पॉन्स अगेन कूड़े में जाता है, फिर उसमें उसको भी टाइम लगता है करने में, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल कप जो सिलिकॉन से बना होता है तो उसी पे रिसर्च शुरू करी। तो हमारे लिए ऑप्शंस यही थे कि किस कैसे करें समबडी, बिकॉज मिथ्स और बहुत डर और लोगों के अंदर घबराहट थी कि यू नो मेंस्ट्रुअल कप्स ठीक नहीं है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने फिर अपनी आशा दीदियाँ जिनके साथ हम बहुत मुहिम करते हैं, आरटीपीसीआर कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं, उनके साथ हमने करके मुहिम शुरू की। उनको पहले हमने ट्रेन किया एंड जब उनकी ट्रेनिंग होती गई उसके बाद वो हमारी आवाज बनी। कि 2020 में शुरू हुआ था कैंपेन मेरी पहचान, जिसमें एक लड़की अपनी पहचान खुद डिसाइड करे और गिल्टी ना फील करे कि वो पैड यूज कर रही है, और मेंस्ट्रुअल कप बहुत इजीली आशा दीदियों ने, बिकॉज वो मिडवाइफ्स भी होती हैं तो उनको नॉलेज बहुत होती है फीमेल बॉडी की, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो स्विच हो गई, वो हमारी आवाज बनी बस्ती बाय बस्ती, विलेज बाय विलेज। अब हम कैंपेन्स करते रहते हैं और स्विचेस आर हैपनिंग, वी आर वेरी हैप्पी कि सारे जो इश्यूज हैं क्लॉथ पैड्स के, बायोडिग्रेडेबल पैड्स, बिकॉज बस्ती की दीदियाँ की सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स था वो था पैसा बचाना, तो उनके जब 100 रुपये बचते थे महीने के, इज द थिंग कि 100 रुपये के जो पैड्स लेती हैं उससे एक कप इनको फ्री दिया जाता था कि ट्राई करो, और जब वो सब धीरे धीरे करके बस्ती बाय बस्ती अब बदलाव आ रहा है और दीदियाँ बहुत खुश हैं। हर जगह से हमें बहुत अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बिकॉज हम ग्रुप्स बनाते हैं जिस जिस बस्ती में, चाहे वो तिगड़ा हो, चाहे वजीराबाद, घाटा, समसपुर, कातरपुरी, वी हैव डन दौलताबाद, मुबारकपुर, तो पूरे गुड़गांव में एक तरह से ये लहर फैल गई है और हमारी दीदियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। छोटी सी दीदी, तो आपने देखा जैसे कि बदलाव आ रहा है और यही हमारी नारी शक्ति है कि हम एक छोटे से बदलाव से अपनी जिंदगी में बहुत आगे चीजें देश को ले जा सकते हैं। तो थोड़ी सी और आप लोग का टाइम, थोड़ा सा टाइम और लूंगी आप लोग का, और ये बताना चाहूंगी कि जब एक महिला पैड अपना यूज करना बंद करती है तो
तो एक महीने में एटलीस्ट 10 से 12 वो पैड यूज करती है, तो साल में उसके करीबन 144 पैड्स के आसपास यूज होते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो करोड़ों में वो पैड्स जमीन में जाना बंद हो जाते हैं। एक छोटा सा फिगर बताऊंगी, अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वुमेन भी लें तो 30 साल में 7 करोड़ या से 10 करोड़ पैड्स जमीन में जाना बंद हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं 7 करोड़ से 10 करोड़ पैड अगर जगह जगह जमा होते हैं तो कितना बड़ा पहाड़ बनता है। और मैं ये बहुत छोटे से अमाउंट का बात कर रही हूँ, आप पूरे वर्ल्ड को लें या पूरी दुनिया में जो वुमेन है उनको 30 ईयर्स एटलीस्ट यूज करती है सैनिटरी नैपकिन, तो कितने पहाड़ जमा हो रहे हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, और रिसाइकलिंग भी होती है तो उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। तो यही टाइम है कि अब हम सब स्विच करें, सस्टेनेबल ऑप्शन अपना डर खोले और इसमें जाएं, बिकॉज हमें जो हमारी दीदियां कन्वर्ट कर रही हैं आपके लिए, हमें 360,000 पैड्स का नंबर दूंगी, हमने ऑलरेडी लैंडफिल से कम कर दिए, और करीब 24 लाख सिर्फ एक साल में। अभी तो अगर 30 इयर्स का उनका सपोर्ट, 30 इयर्स उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो आप कह लें कि करोड़ों चेंज ऑलरेडी हो चुकी है। सो छोटा सा इम्पैक्ट, छोटे से चेंज से इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, यू मे नॉट रियलाइज बट वो हो रहा है। तो आप सब एड अप होती जाएंगी तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा देश एक्चुअली शिमला के पहाड़ देखेगा सैनिटरी नैपकिन्स के लिए। Thank you very much, Shaloo ji. Thank you. And I would really thank you because ये एक ऐसा subject है जो in general, as I mentioned, बहुत कम चर्चा का विषय रहता है, और यही वह समय है जब हम इस झिझक को छोड़कर इस बारे में discussion को बढ़ाएं, क्योंकि Women Day में, Women Hygiene में पानी का एक बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों में स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। तो ना केवल आप पॉल्यूशन और कूड़े के ढेर को बचाएंगी, साथ ही साथ आप अपनी हर महीने होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति पा सकेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधुमिता, थैंक यू सो मच। आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे हमारी नेक्स्ट स्पीकर का परिचय कराती हूँ। वो है कविता जी। कविता जी कामकाजी महिला आवास की वार्डन है, वह रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य में भी अग्रणी रही हैं। इन्होंने वर्किंग वुमेन हॉस्टल में पर्यावरण संरक्षण के कई सराहनीय कार्य किए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। ओवर टू यू कविता। नमस्कार, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज इस पावन दिन पर, महिला दिवस के शुभ अवसर पर, मुझे ये मौका दिया कि मैं महिलाओं के लिए कुछ बोल सकूँ, कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकूँ। मैं गुरुजल की टीम को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सम्मिलित सदस्यों को भी अपना अभिवादन देना चाहती हूँ। जैसा कि आज का विषय दिया गया है, नीर और नारी, नीर और नारी का एक अलग ही रिश्ता है। नीर को जिस प्रकार नारी के साथ जोड़ा गया है, ये एक बहुत सार्थक विषय माना गया है। नीर और नारी पवित्रता और जिम्मेदारी को दर्शाता है, क्योंकि पानी एक पवित्र चीज है और नारी जिम्मेदारी, जो कि एक पवित्र चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ये नारी के साथ जोड़ा गया है। मैं नारी के बीच में रहती हूँ, मेरे पास 40 लड़कियां हैं, मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल संभालती हूँ सिविल लाइन स्थित गुड़गांव में, तो मुझे सारी अलग अलग प्रकार की लड़कियों को देखना होता है। मुझे पता है किस लड़की के मन में क्या विचार होता है, इसीलिए मुझे ये विषय दिया गया कि मैं आज महिलाओं के लिए कुछ बोलूं। मेरा यही कहना है कि आज की महिला, जैसे सशक्तिकरण विषय पे बोला जाता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण असली मायने में क्या होता है, ये कई लोगों को नहीं पता। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है आत्मनिर्भर करना और आत्मनिर्भर होना। वो एक महिला तभी आत्मनिर्भर हो सकती है जब दूसरी महिला को अपने प्रॉब्लम, समस्याओं को बताए, तभी एक दूसरी महिला एक महिला की मदद कर सकती है। पर आज की महिला, कहने को यह है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं,
और देखा जाए तो अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिला प्रॉब्लम्स में है पर डर जाती है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या बोलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण एक मैं हूँ। आप मानेंगे नहीं, मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं भी एक माँ हूँ, एक महिला हूँ जो अपने बच्चों को स्वयं आत्मनिर्भर होकर अकेले कैसे मैंने पाला है, पर मुझे एक महिला ने ही सहयोग करा और साथ में सारी महिलाओं का ही हाथ मुझे मिला। मैंने उन सबका साथ पकड़ा, गुरुजल की टीम ने मुझे, जो मैडम है गुरुजल की, जो मैडम है उन्होंने भी एक समय पर ऐसा आया कि मेरे को हॉस्टल संभालने में उन्होंने मेरी इतनी मदद करी कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको ढूंढना पड़ता है, कोई आपके पास नहीं आएगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए आपकी समस्या किसी दूसरे को नहीं पता, हम खुद अपनी समस्या को देखते हैं पर हमें बताना पड़ेगा किसी को, तभी हमारी समस्या का सोल्यूशन होगा। तो मैं यही आज की महिलाएं बच्चे हैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, जो लड़कियां हैं वो डर जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो बच्चों प्लीज डरो मत, अपनी मम्मी को बताओ, खोल के बताओ कुछ। अगर तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड या कोई भी कोई दिक्कत भी करता है, फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि फैमिली में दिक्कत नहीं होती, हम नहीं बता पाते। देखो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी अपनी लाइफ में, मैं एक अनाथालय से हूँ, मैंने अपने वहीं पे मैं वार्डन भी रही 4 साल, तो मैंने हर महिला वर्ग में छोटे से छोटे बड़े से बड़े बच्चों को देखा है कि लड़की क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। तो मैं यही लड़कियों से, माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को थोड़ा टाइम दे, अगर वो कॉलेज से आती है स्कूल से आती है तो आप उनसे उसके बारे में पहले पूछें कि बेटा आपको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले आप उनके बारे में भी 2-4 दिन में 1 सप्ताह में उनसे बात कीजिए कि बेटा सब सही चल रहा है, ताकि बच्चे को अपनापन, माँ में एक फ्रेंड लगे। मैं ये चाहती हूँ आज के विषय पे बोलना कि पानी का हमें पता है आज हमारा विषय है नीर और महिला नारी नीर, परंतु आज महिला दिवस पे मैं महिलाओं के लिए इसलिए बोलना चाहती हूँ कि महिला दिवस सब मना रहे हैं, सब बोलते हैं महिला दिवस, पर महिला दिवस का मेन मतलब है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, जागरूक करना। जो महिलाएं आज भी गांव में जिनको कोई नहीं पहुंच पाता, ऐसी एनजीओ संस्थाएं बन गई हैं जो जगह जगह जाकर महिलाओं के लिए, मदद के लिए आगे खड़े हैं, परंतु जो महिलाएं प्रॉब्लम में, समस्याएं में आज घिरी हुई है उनको खुद आगे आना पड़ेगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप स्वयं खुद आगे आए और अपने को भी आगे लाकर आगे बढ़े। और मैं यही कहना चाहती हूँ आज भी सभी महिलाओं से कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, तो आप छू सकते हैं इस आकाश को, मौका आपको दे रहे हैं सब, पर वो मौका आपको खुद भी ढूंढना है। रास्ते दो हर किसी के पास है, पर रास्ता आपको चुनना है कि कौन से अच्छा रास्ता आपके लिए है। देखिए एक रास्ता आपके लिए अंधेरा ले जाता है, एक रास्ता आपके लिए उजाला ले जाता है, तो ये आपको तय करना है कि उस उजाले भरे रास्ते में कठिनाइयों को चीरते हुए वो आपको आगे जाना है, पर आपको अपने अंदर हिम्मत खुद लानी होगी, कोई दूसरा नहीं लाएगा। समाज हमको एक सहायता दे सकता है, पर समाज में गिराने वाले भी बहुत होते हैं, ऐसा मत सोचिए, उठाने वाले भी उससे ज्यादा मिलेंगे आपको। मेरी यही विनती है कि आप उठने का प्रयास कीजिए, उठाने वाले हाथ आपको अपने आप मिल जाएंगे। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना शिकायत ना कोई थकान, आज की नारी की यही है पहचान। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता, इट वॉज रियली इनकरेजिंग, और उम्मीद है आपकी आवाज सुनकर बहुत सी हमारी स्पेशली ग्रामीण स्तर की महिलाएं वो सामने जरूर आएंगी। अब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रकृति कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसके लिए फ्लोर ओपन करें। जी, आज हमारे साथ जितने भी महिलाएं जुड़ी हैं, और एक मैं टर्म यूज करना चाहूंगी वुमेन इन मेकिंग, तो हमारे साथ जो स्कूल की बच्चियां जुड़ी हैं आज, उनका यहाँ प्रेजेंस जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है कि आज से लेकर के अब आने वाले टाइम में बड़े हो के यही एक जिम्मेदार महिलाओं के रूप में हमारे सामने आने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। मैं सबको एक बार तहे दिल से सबका अभिनंदन करना चाहूँगी।
और महिलाओं का, हमारी स्पीकर्स का। और जैसा कि कविता जी, अगर आपको लग रहा है कि कितने अच्छे तरह से उन्होंने आपको, बच्चों को, सबको मोटिवेट किया कि आगे आए, अपने बारे में खुल के बात करें, जितने भी बायसेस हैं उनसे हम आगे बढ़ें, और तभी एक सही मायने में हम बोलेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। एक हमारे मन में हमेशा से ही रहता एक एक विचार रहता है ना महिलाओं के लिए कि हमेशा दीनहीन रहती हैं, बट बच्चों आप अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हो, आपने हमेशा देखा है कि अभी नहीं पहले भी हमारी जितनी भी महिलाएं थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी रहा करती थी। और जैसे कि तब से लेकर के अब तक, हाँ कुछ चेंजेस जरूर हमारी सोसाइटी में आए, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कितना अच्छा है। आप अपने टीचर्स को भी देखते हैं, आप अपने घरों में अपनी मदर्स को भी देखते हैं कि वो जॉब पे भी जाती हैं, घरों को भी संभालती हैं, तो जितना भी आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें वो हमेशा सराहनीय होता है। तो एक मैं इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या समय के साथ महिलाओं, जैसे हमारा समय बीता तो समय के साथ जो एक भेदभाव में जो कमी आई, क्या ऐसा लगता है कि तब से लेकर के अब तक में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे थे, क्या उसमें कोई कमी आई है, और आप उसको किस तरह से देखते हैं? तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, क्या इसको, इसका आंसर करना चाहेंगे? हेलो, जी मैं प्रमिला जी आपका स्वागत करना चाहती हूँ। प्रमिला जी और किरण जी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं चांदला डूंगरवास गांव से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्वेश्चन का कि जो मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ कि क्या समय के साथ भेदभाव में कमी आई है। जी प्रमिला जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी आप सुन रही है, बताओ। अच्छा तो मैडम एक क्वेश्चन ये है कि आपने पिछले 10 सालों में ऐसे जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, क्या आपने इन 10 सालों में या पिछले और भी कई सालों में इसमें कोई कमी आती हुई देखी है क्या, और कैसा आपने एक अच्छा बदलाव इसमें देखा है, उसके बारे में आप हमें बताएं। नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है लेडीजों के साथ कि कोई बुरा व्यवहार करे, हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही है। जी जी हेलो। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जी कि लेडीजों के साथ बुरा व्यवहार करे, हमारे यहाँ तो बहु हमारी सारे दिन लेट उठे जी, 6 बजे काम भी लेट ही करे, उठते तो बहु बाद उठे, बहु मेरी बहु बैठी है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामने बैठी है बहू, एक वो सामने बैठी है, एक जी वो उधर गई, तो हमारी तो बहू 6 बजे उठे, कभी ना उठे, हमारा पहले हम ही उठा। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी हमारे साथ हमारे गांव में के लिए। हमारे प्रमिला जी अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं अपने स्पीकर लोगों से ये एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जितने भी घर हैं उसमें मेजर जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उसमें हमारी महिलाएं हर तरह से इन्वॉल्व रहती हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जल संरक्षण हो गया, तो इसमें महिलाओं को एजुकेट करने में मतलब कितना इससे फायदा हम देख सकते हैं? समीरा मैम। हेलो जी मैम। सो प्रकृति, आई गेस हम सब लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म एक अलग टर्म है, लेकिन मैं उसको इस तरह से समझती हूँ कि हमेशा किसी एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट की बात हो या किसी भी तरीके के मूवमेंट की बात हो, अगर आप उसके बेस में जाएंगे, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा ही जो वुमेन है या जो औरत है या फॉर दैट मैटर जो मदर है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी वुमेन को लाइफ में एक वुमेन का रोल इस तरीके से होता है क्योंकि वो अपने आप को कभी भी स्टैंड अलोन नहीं देखती है, वो कभी ये नहीं देखती कि मैं चाहती हूँ या मैं वो चाहती हूँ, उसकी हर एक्शन के पीछे, उसके हर यू नो डिसीजन के पीछे उसकी फैमिली होती है, फैमिली से ज्यादा उसके बच्चे होते हैं, वो हमेशा
अपने बच्चों को फोकस करके ही कोई ना कोई काम करती है। तो जब किसी भी हाउस होल्ड में, किसी भी घर में, परिवार में एक औरत को ये समझ में आता है कि ये काम करने से मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में हो सकता है, ये काम करने से मेरे बच्चों का तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनको किसी भी तरीके की और बात समझाने की जरूरत पड़ती है। और यही बात आज मुझे लगता है हर मदर को हर औरत को समझनी है कि पर्यावरण से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज बचाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और उसको बनाने में ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता। नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति बनाती है और प्रकृति को हम गाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही हमें गाइड करते हैं, वही हमें डायरेक्ट करते हैं, हम उसको गाइड नहीं कर सकते हैं। हमें उसके साथ अलाइन होके चलना है, हमें उसके आवाज को सुनना है। अब वो कह रही है कि बस रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको जरूरत है थोड़ा 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 अपने लड़का का कंट्रीब्यूशन देने। प्रकृति, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ, क्योंकि हम बस्तियों में और गांवों में जाते हैं, वहाँ पे इन दीदियों को रोज मिलते हैं, कैंपेन्स में इनकी बातें समझते हैं, तो ये बहुत प्रोग्रेसिव है। मैं बोलूंगी जब मेंस्ट्रुअल कप्स हमने कॉन्डोमिनियम्स में किए, हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया जो इन लड़कियों ने और दीदियों ने वहाँ पे कर दिखाया, चाहे वो घूंघट में थी चाहे जैसी थी, बदलाव की किरण वो बनी हमारे लिए। तो आई विल से दे आर मोर प्रोग्रेसिव हमारे साथ। इट्स जस्ट दैट उनको एक सहेली चाहिए जो उनका आके हाथ पकड़े और उनको वहां से निकाले और सिखाए। दे रियली वांट टू चेंज, उनको चांस दिया जाए। मतलब दे इंस्पायर्ड अस। एब्सोल्युटली, दैट्स अ रियल ब्यूटीफुल थिंग। या एंड मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से मेंस्ट्रुअल कप के बारे में हमें सबको बताया। एंड मैम समीरा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। एंड एक और क्वेश्चन हमेशा स्पेशली महिलाओं के लिए रहता है कि एक सक्सेसफुल वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ एक थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी साथ साथ चलती है कि उनको अपने घर को भी देखना होता है और अपनी जॉब को भी देखना होता है। एक सक्सेसफुल करियर और एक सक्सेसफुल और हैप्पी हाउस होल्ड को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, तो मैं मोनिका जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोनिका जी आप प्लीज इस बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। खैर, ये प्रश्न का एक बहुत ही सरल उत्तर है, फॉलो योर हार्ट। आप अपने दिल को फॉलो करिए। अगर आपका दिल आज कह रहा है, आपका शरीर कह रहा है कि मुझे थकान महसूस हो रही है, मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है, आप उसको आराम दीजिए। जैसे समीरा जी ने बोला कि सृष्टि हमें गाइड करती है, हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमें गाइड करता रहता है, लेकिन हम कभी कभी उस भेड़ चाल में, हम भाग दौड़ में उसको सुनना भूल जाते हैं, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। कभी जैसे पतझड़ आती है, पेड़ आराम करते हैं, अपने जितने पुराने पत्ते होते हैं उनको गिरा देते हैं। महिलाओं से भी यही मेरी प्रार्थना है कि आपका शरीर अगर आपको कहता है कि आपने दिन भर खेती बाड़ी करी है, घर आके खाना बनाया है, और कोई आपका टाइम मांग रहा है, लेकिन आपका शरीर कह रहा है कि मैं थोड़ा सा आराम करूं, तो कृपया अपने शरीर को आराम दीजिए, ताकि तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। जो हर समय शरीर या मन या दिमाग अगर थका रहेगा तो वो पूरी तरह से उपजाऊ भी नहीं रहेगा। आपको अपने आप को आराम भी देना है। और महिलाएं जो होती हैं वो प्रेम का स्रोत होती हैं, दे आर फाउंटेन्स ऑफ लव। उनमें इतना कूट कूट कर प्रेम भरा होता है कि जिन पर वो उनकी अपनी नज़र डाल देती हैं, अपनी ममता की नज़र, अपनी प्रेम की नज़र, तो उसको या उनको हमेशा वो उनके लिए कुछ करने का उनमें रहता है, वो भावना रहती है। तो वो जैसे भी, मैंने देखा है महिलाओं को, वो टाइम निकाल देती हैं उसके लिए,
किसी ना किसी तरीके से वो अपने दिन में कुछ ना कुछ भाग दौड़ करके जल्दी उठ के शाम को अपने, चाहे वो अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना है, घर के बच्चों को देखना है, काम को देखना है, खेती बाड़ी करनी है, जो भी करना है उसके लिए हर चीज के लिए समय निकालती हैं। तो महिलाओं का दिल दिमाग से नहीं चलता, उनका दिल से चलता है, उनकी उनकी रूटीन भी दिल से चलती है। तो ये तो महिलाएं जानती हैं, और अपने आप को रेस्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि वो दिल से चलती हैं, दिमाग से नहीं चलती। मैम एब्सोल्युटली ट्रू। सो एक साथ के साथ में इसमें एक चीज मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने और सिंपली बताया इस बात को, और जितनी भी हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं उनको ये भी करना चाहती हूँ कि एक कभी कभी होता है ना, आप सबको खुश रखने के लिए, लेट्स से आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको अपने साथ कोवर्स को भी खुश रखना है, घर आना है, आपको अपनी फैमिली को भी खुश रखना है, तो कहीं ना कहीं जो एक खुद की हैप्पीनेस होती है ना, वो साइडलाइन हो जाती है। तो इस महिला दिवस पे मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी खुशी को भी उतना महत्व दें, एक प्रण लें कि आपको खुद को भी खुश रखना है। एंड इसके साथ मैं पूर्णिमा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो कुछ कहना चाह रही थी। सो पूर्णिमा जी, ओवर टू यू मैम। ग्रास रूट लेवल की आपने बात करी प्रकृति, जी मैम को उदाहरण दे दूं कि मेरे खेत में काम करने के लिए जो टीम्स आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी टीम महिलाओं की है, और जब भी छत्तीसगढ़ में मैं आई हूँ यहाँ पर अपने खेत पर मैं काम करती हूँ, तो हरियाणा भी मैंने ये देखा है कि अक्सर महिलाएं खेतों में ज़्यादा काम करती हैं, और हरियाणा की मैं महिलाओं को मैंने काम करते हुए देखा है कि वो सुबह सारा अपना घर का काम निपटती है, उसके बाद में धूप होने से पहले खेतों में जाती है, जो भी खेत का काम करना है उसके बाद वापस आती है और फिर घर का काम करती है। यहाँ पर आपने ग्रास रूट लेवल की बात करी, मैं आपको बता दूँ छत्तीसगढ़ की वो जो महिलाएं मेरे खेत पर काम करने आई थी, वो जैसे आई सबसे पहले उन्होंने सारे अपने फेटे वेटे बांधे, मैं भी उनके साथ में फेटा बांध के खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद में अपने एक अटायर चेंज किया, फुल स्लीव्स के शर्ट वर्ट पहने ताकि वो टैन ना हो, काफ़ी टैन हो जाते हैं यहाँ पर धूप में खड़े रह के। उसके बाद 5 बजे तक उन्होंने अच्छे से काम किया, 5 बजे के बाद में वो फिर से तैयार होके एक हर घर की बेटी बहू पत्नी बनकर वो खुशी खुशी घर में चली गई। सो ये जो उदाहरण है कि वर्क लाइफ बैलेंस, शब्द बोलने से ही बहुत बड़ा लगता है पर मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर सब में इनकलकेटेड है। और जब ये महिला यहाँ पर काम कर रही थी तो मैंने अभी जैसे आप लोगों से वार्तालाप करा कि पानी का महत्व क्या है, मैं ये क्या कर रही हूँ, बहुत उत्सुक थे सारे किसान और सारी महिलाएं कि ये आप क्या कर रहे हो मैडम, इतने गड्ढे खोद रहे हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हो, उसमें कुछ मिट्टी में कुछ कचरा डाल रहे हो, सारे आसपास के खेतों से हमने सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है। तो जब मैंने उनको और बच्चों में बता दूं, मेरे पास 2 टीम काम कर रही है, मेरा दुर्भाग्य ये है कि आज मैं वो नेटवर्क की वजह से एक जगह पर बैठ गई हूँ, वरना मैं आपको नज़ारा करवाती कि मेरे खेत में जो लोग काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें एक 20 साल के लगभग बच्चों की एक टीम है और महिलाओं की एक टीम है, करीब 10-15 महिलाएं हैं और करीब एक 8-10 बच्चे हैं। सो इनको जब मैं ये बता रही हूँ कि ये गड्ढे क्या कर रहे हैं, ये कूड़ा अंदर क्यों जा रहा है, पानी का हमें किस तरह से बचाव करना है, पानी मिट्टी में कैसे रोकना है, तो मुझे लगता है कि एक क्लासरूम में जाके मैं जो समझाती उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैं इन यंग माइंड्स एंड यंग हार्ट्स पे एक क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी का एक बीज में डाल रही हूँ उनके दिमाग में, और उनको ये पता है, ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ उनको पता है, सिर्फ ये है कि काल की गति में हम ये लोग सारा कुछ भूल गए हैं और उसको बार बार रिवाइव करने की हमको ज़रूरत महसूस हो रही है। सो मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं, इनफैक्ट मैं जो देखती हूँ गांव में घूमकर अर्बन काउंटर पार्ट से शहरी महिलाओं से, ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा सशक्त हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा करती है। एक चीज़ जो ग्रास रूट लेवल पर मुझे कमी महसूस होती है वो है उनके अधिकारों की बारे में, उनके अधिकारों के विषय में उनको जागरूक करना। मुझे हरदम पिछले कई सालों से जब से मैं गांव में घूमती हूँ बस ये एक विषय मुझे ऐसे लगता आया है कि उनको बस उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर दो तो ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं अर्बन काउंटर पार्ट से ज़्यादा सुखी माने आनंदी, हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीती है। एब्सोल्युटली।
हमारे देश मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं मधुमिता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेशन को आगे लेके जाएं। थैंक यू प्रकृति एंड थैंक यू एवरीवन। इनफैक्ट आज मैं महिला दिवस होने के साथ साथ उन सभी पुरुषों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे फील्ड टीम वर्कर सुबह से ही फील्ड पर हैं ताकि हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं हमारे साथ जुड़ सके। और जैसा मैंने आपको बताया गुरुजल में 50% महिलाएं हैं, इसके अलावा हमारे साथ 50% पुरुषों का भी सहयोग है। सो थैंक यू एवरीवन आज के गुरुजल सोसाइटी द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लेने के लिए। आशा है हम इस बायस को पीछे छोड़कर गुरुग्राम को बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।